लगभग 10,000 साल पहले मुट्ठी भर ऊनी मैमथ साइबेरियाई तट से दूर रूसी आर्कटिक में एक द्वीप पर फंसे हुए थे। अगले सहस्राब्दियों में यह छोटा झुंड शायद 8 इंडिविजुअल्स जितना लगभग 4,000 साल पहले विलुप्त होने से पहले 200 से 300 मैमथ की स्थिर आबादी में विकसित हुआ। वे पृथ्वी पर वुली मैमल्स की अंतिम ज्ञात आबादी थे और अगर यह बुरी किस्मत न होती तो यह संभव है कि वे आधुनिक युग तक जीवित रह सकते थे। सेल जर्नल में गुरुवार को प्रकाशित एक नए पेपर ने इनके बारे में बात की है। रिसर्चर्स टीम का सुझाव है कि ये जीव किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मरे, संभवतः किसी नए वायरस या प्राकृतिक आपदा जैसे आर्कटिक ज्वालामुखी विस्फोट या टुंड्रा फायर के कारण। टीम ने रैंगल द्वीप के 14 मैमथों के डीएनए की जांच की, साथ ही मुख्य भूमि की 7 मैमथों के डीएनए की भी जांच की, जो बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण बढ़ते समुद्री स्तर के कारण छोटे समूह के अलग थलग पड़ने से पहले की बात है। कुल मिलाकर 50,000 वर्षों के आनुवंशिक इतिहास को कवर किया गया।